पलपल न्यूज में मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक में बड़ा खेला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका है, पर भारतीय जनता पार्टी की इस करारी हार के पीछे उन मुद्दों का जिक्र होना जरूरी है जो भारतीय जनता पार्टी बीते कुछ सालों से लगातार मुसलमानों के नाम पर कर्नाटक में नफरत फैला रही थी। जहां भारतीय जनता पार्टी ने हिजाब के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की कर्नाटक में, बीफ बैन के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की कर्नाटक में, हलाला को लेकर के इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की और हलाल के भी मुद्दे को भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में की। बजरंग बली और बजरंग दल के डेफिनेशन को समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की कर्नाटक में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें भारतीय जनता पार्टी ने की। लव जिहाद के मुद्दे को उठाया भारतीय जनता पार्टी ने और केरला स्टोरी में किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई इस मुद्दे को तो खुद देश के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक चुनाव में भुनाया। ऑलमोस्ट एवरी पोलराइजिंग ट्रॉप जो कि एक नफरत फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की और आज इन तमाम मुद्दों को जनता ने कर्नाटक की नकार दिया है और कांग्रेस वहां बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। जो कि भारतीय जनता पार्टी को यह रास नहीं आ रहा तो गोदी मीडिया को भी यह रास नहीं आ रहा है। अब आपको दिखा दें कि ताजा रुझान क्या है और फिर इसके बाद उन कर्नाटक में कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों की कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र आपके सामने करूंगा जो लगातार यहां तमाम चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप देखेंगे कि एबीपी न्यूज में कर्नाटक में बीजेपी 81 कांग्रेस 105 बहुमत के आंकड़े से पीछे आ गई है और अचानक जेडीएस के ग्राफ को बढ़ा दिया गया है। और शुरुआती रुझान जो मैंने आप लोगों के सामने बताया उस वो था बैलेट पेपर का। अब ईवीएम खुलना जो है वो शुरू हुई है और इसमें कांग्रेस का ग्राफ गिरा और 32 पर जेडीएस को पहुंचा दिया गया है। तो वहीं आप देखें खासतौर पर कर्नाटक चुनाव आज तक में दिखाई दे तो कर्नाटक हैदराबाद और तमाम रुझान जो है वो गायब कर दिए गए। बीजेपी और खास तौर पर फोकस आज तक का अब जो हो चुका है वो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर हो गया है और 224 सीटों में 117 जो है वो कांग्रेस को दिखाई जा रही है, 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरी सबसे बड़ी गौर करने की बात है तो जीते तो मोदी हारे तो नड्डा, नड्डा जी की तस्वीर को यहां इस्तेमाल किया जा रहा है और कल तक गुणगान हो रहे थे खासतौर पर यहां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। तो वहीं न्यूज 24 पर आप देखेंगे कि कैसे जीत का जश्न शुरू हो चुका है जो कि तमाम वीडियो हम लोगों के पास भी आए हैं। पहले जीत के इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जीत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यालय एआईसीसी की ये तस्वीरें, 116 पर कांग्रेस है, यहां बहुमत के आंकड़े से अब भी आगे है पर तमाम लोगों ने बहुमत के आंकड़े से आज तक और एबीपी ने पीछे कर दिया है। बीजेपी को 73 सीटें हैं, 30 जेडीएस को और अदर को 5 सीटें हैं। तो वहीं अगर बात की जाए खासतौर पर जी न्यूज की तो कांग्रेस के पास अब भी बहुमत का आंकड़ा दिखा रहे हैं और 77 सीटें जो है वो बीजेपी पिक हो गई है, जेडीएस को 25 सीटें। न्यूज 24 पर अगर आप आते हैं, न्यूज 18 पर आते हैं तो 115 सीटें कांग्रेस, 75 जो है बीजेपी। यहां पर से जो है सीएम फेस गायब कर दिया गया है खासतौर पर जो देश के प्रधानमंत्री का दिखाया जाता है। तो वहीं अब आप यहां देखें एनडीटीवी पर तो 116 कांग्रेस, 71 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये तो वो ताजा रुझान है जिसका जिक्र होना जरूरी था पर तमाम लोगों के फोन मैसेजेस आए खासतौर पर जो मुस्लिम मजबूत प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनका क्या हाल है और
आज ये रिपोर्ट खासतौर पर उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगी जो खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश करते हैं। और यहां आज ये सिद्ध होगा क्योंकि जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने खोला वहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार ही नहीं थे, और जहां मजबूत कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी थे वहां खेल बिगाड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी और खासतौर पर जेडीएस और आम आदमी पार्टी ने किया है ताकि जो मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी है वो ना हो। और जब ये तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में थी तो इसका फायदा कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आपको बता दें कि सबसे पहले जो अब्दुल हामिद है कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार बिजपुर सिटी से चुनावी मैदान में है जहां सिर्फ अभी 3 राउंड की वोटिंग खुली है। 3 राउंड की वोटिंग में यहां 5738 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं तो बीजेपी के प्रत्याशी को 14,870 वोट मिले हैं। और यही अगर बात की जाए गंगवती कर्नाटक की तो उधर कांग्रेस के प्रत्याशी थे इकबाल अंसारी जिन्हें 13,038 वोट मिले हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को इधर 8,726 वोट ही मिल पाए हैं 3 राउंड की वोटिंग के बाद। तो वहीं तनकूर सिटी है जहां इकबाल अहमद कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव में मैदान में, उन्हें तकरीबन 1685 वोट मिले हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 3001 वोट मिले हैं। और यहीं जेडीएस ने खेल बिगाड़ा और जेडीएस के उम्मीदवार को 3612 वोट मिले हैं। यहां कोई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का उम्मीदवार नहीं है। और यहां जो खेल बिगाड़ने का काम किया गया है किसने किया है उसको समझने की जरूरत है। तो वहीं अगर बात की जाए शिवाजी नगर की तो वहां पर रिजवान अरशद चुनावी मैदान में कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार, उनको 14,805 वोट मिले हैं, तो 9,133 वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गए हैं। वहीं अगर बात की जाए रामागरम सीट की जो कि एचए इकबाल हुसैन चुनावी मैदान में कांग्रेस के, इन्हें 30,029 वोट 6 राउंड में मिले हैं, तो वहीं जेडीएस को 25,921 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मात्र 3,000 वोटों से संतुष्ट रहना पड़ा है। तो वहीं अगर बात की जाए मंगलूर सिटी नॉर्थ की तो यहां पर इनायत अली कांग्रेस के प्रत्याशी, इन्हें यहां 16,571 वोट मिले हैं और वहीं बीजेपी को 23,381 वोट मिले हैं और जेडीएस को यहां 4,000 के आसपास वोट 3 से 4 राउंड की वोटिंग में मिले हैं। और अगर अब मैं बात करूं मंगलूर की तो यूटी कादेर साहब जो है चुनावी मैदान में, पिछली बार भी चुनाव उन्होंने लड़ा और बहुमत से जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, तो यूटी कादेर जो कि मंगलूर से चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से थे उन्हें तकरीबन 19,204 वोट मिले हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ चुकी है, 9,981 वोट इन्हें मिले हैं। तो वहीं बेलगम उत्तर में आसिफ चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से थे, इन्हें 13,985 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 17,118 और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 2,000, जेडीएस के उम्मीदवार को 3,000 वोट मिले हैं। तो किसने यहां किसका खेल बिगाड़ा है, किसने किसकी क्या भूमिका निभाई है, इन पहलू पर भी बात होने की जरूरत है। तो वहीं अगर बात की जाए रायचूर की तो मोहम्मद सालम चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से 11,551 वोट इन्हें मिले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 11,283 वोट मिले हैं और यही 3,000 वोट जो है वो जेडीएस को मिले हैं। और कौन किसका क्या खेल बिगाड़ेगा ये भी इस सीट पर देखने की बात है। वहीं अगर बात की जाए शिगौन की तो पठान यासिर चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से है, उन्हें 19,402 वोट मिले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 37,931 वोट मिले हैं और जेडीएस को यहां पर तकरीबन 6,000 वोट मिले हैं। तो किस तरीके से चुनावी मैदान में खेल बिगाड़ने का काम किया गया है, इन पहलू को समझने की जरूरत। और यही खासतौर पर हिजाब की बात है,
और कर्नाटक चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सियासत की, और कांग्रेस की एक लौती महिला जो हिजाब पहन करके हर जगह अपनी कैंपेनिंग करती हुई दिखाई दी, किस तरीके से जनता के बीच में वो मुद्दों को रख रही थी, उनके ऊपर भी सभी की नजर टिकी हुई थी। वहीं गुलबर्ग उत्तर से कनीज फातिमा जो है चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से, उन्हें 13,646 वोट मिले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 20,747 वोट मिले हैं। तो ये लिस्ट जो है कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों के आप लोगों के साथ साझा कर रहा था, तमाम रिपोर्ट आप लोगों के साथ कर्नाटक चुनाव की साझा करता रहूंगा, क्योंकि अब कुछ देर में आप स्क्रीन से तमाम तस्वीरें गायब देखेंगे कर्नाटक चुनाव की, और फोकस रहेगा तो उत्तर प्रदेश के निगम चुनावों पर, हर एक तस्वीर आपके साथ रूबरू होती रहेगी।